मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज्ड टू बी द जज. तो वो मुझे कहते थे कि तुम गाना चाहते हो, तो मैं कहती थी मैं फिल्म इंडस्ट्री में गाने का शौक नहीं. तो कहते थे कि जब भी तुम्हें लगे कि मुझे गाना चाहिए तो मैं तुम्हें जरूर गवाऊंगा. एंड देन ऑफ कोर्स आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री विद द फिल्म अभिमान, जिसमें मैंने श्लोक गाया था. और उसके बाद इट वॉज वेरी स्मॉल वर्ल्ड. आज के जैसे नहीं कि हजारों स्टूडियोज खुल गए, तो उन दिनों में इट वॉज जस्ट फिल्म सेंटर, फेमस आरदेव एंड बॉम्बे लैम्प. तो सभी को पता चला कि यू नो आई स्टार्टेड सिंगिंग. तो जयदेव जी ने तुरंत बुला लिया, फिर कल्याण जी भाई ने, एंड देन इट स्टार्टेड. अनुराधा जी, आपने आपके पहले गाने का जिक्र किया अभिमान फिल्म का जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं मुझे पता है, आप सफर कर काफी दूर से आई हैं, थकान हो सकती है, लेकिन अगर आप वो पहला गाना जो आपके दिल के करीब है और हमेशा छुआ है जी, शिव स्तुति जी. ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस गुजारिश को नवाजा. मैं अनुराधा जी, आपकी जो समाज सेवा को लेकर बीच में मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कान और आवाज का बड़ा नजदीकी संबंध होता है, बिल्कुल है. और समाज सेवा में आपने इस कान को सुना है. कानों को अक्सर मोड़ने के लिए भी पहचाना जाता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप क्या कर रही हैं, वो कान से जुड़ा हुआ कौन सी समाज सेवा का काम है जो आप कर रही हैं? इसके पहले कि मैंने इसे शुरू किया, आई केम अक्रॉस सम पीपल जो लातूर में जो HIV के बच्चे हैं, तो दे नीडेड अ फ्लोर क्योंकि जगह कम पड़ रही थी. तो सूर्योदय फाउंडेशन डोनेटेड एन एंटायर फ्लोर टू द HIV चिल्ड्रन जो लातूर में हैं. एंड आपको खुशी होगी जान करके कि रवि बापटली जो वो चलाता है, ही इज नेम्ड दैट HIV विलेज, मतलब हैप्पी इंडियन विलेज. तो बच्चों लोगों को एक पॉजिटिविटी आए. तो उस तहत जहाँ जहाँ पे भी मेरा सोशल सर्विस के लिए जाना होता था, तो मैंने देखा कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल यू नो हु कुड नॉट हियर. किसी को बहुत बिल्कुल नहीं सुनाई देता था, तो किसी को थोड़ा सा सुनाई देता था. एंड स्टूडेंट्स वर नॉट डूइंग वेरी वेल इन स्कूल. आमतौर पे जैसे कहा जाता है कि इतना सा भी तू नहीं समझता या इतना भी तू नहीं करता. द प्रॉब्लम वॉज दैट ही कुड नॉट हियर. और फिर मैंने देखे छोटे छोटे बच्चे, जैसे 2.5 साल के बच्चे हैं, तो दे कुड नॉट हियर. तो आई हैव गिवन माई लाइफ टू सिंगिंग. इट्स म्यूजिक, मतलब इट्स टू डू विथ साउंड. और यहाँ पे थे वो बच्चे थे जिनको सुनाई नहीं दे रहा था. सो आई थॉट इट वॉज हाई टाइम दैट आई शुड बी डूइंग समथिंग. तो आई डिसाइडेड टू टेक अप दिस कॉज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्पीच एंड हियरिंग यू नो डिटर्मिनेशन. एंड मैंने देखा कि आई ट्राई टू फाइंड आउट मोर. तो 1.4 बिलियन की आबादी में ऑलमोस्ट अबाउट 7-8% लोगों को हियरिंग की प्रॉब्लम है. बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है. फिर मैंने ये भी देखा कि जगह जगह पे उन्होंने कहा कि हाँ, हमने 1000 बच्चों को स्क्रीन किया है, 3000 बच्चों को स्क्रीन किया है. अच्छा, स्क्रीन किया फिर क्या, मतलब डिड यू गिव देम द हियरिंग एड्स? तो बोले नहीं, दे आर टू एक्सपेंसिव. एंड विच इज अ फैक्ट, क्योंकि आप मार्केट में लेने जाते हो तो इट कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 20-30-40,000 रुपीज, जो मतलब वैसे भी लोग दे वुड नॉट इतना ध्यान नहीं देंगे बिकॉज इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज. लेकिन जो विलेजेस में वगैरह है, तो जहाँ पे स्पेशली भुवनेश्वर वगैरह जैसे जगह में जहाँ 200-200 रुपए के लिए बच्चियों को बेचते हैं बिकॉज सो दैट दे कैन फीड द फैमिली यू नो जो उनसे और छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है? तो दैट इज़ वेयर फिर सूर्योदय फाउंडेशन की तरफ से वी हैड अ कैंप. और उसके उससे कुछ ही महीने पहले आई वॉज वेरी वेरी लकी दैट कंपनी बाय द नेम ऑफ वाइडेक्स,
they contacted me to become their brand ambassador. So, हम लोगों ने जब वहाँ पे we had a camp there for about 4 days और 400 लोगों को चेकअप किया, स्क्रीनिंग किया, तो उसमें से you will be shocked to know that there were 360 people who were not here, 360, you know. So then my foundation decided to donate the hearing aids. Oh. So I spoke to the company who, of course, very gracefully, unhone, they gave me at cost price. And that is how on the World Hearing Day, which was on the 3rd of May, I was able to distribute the hearing aids free of charge. So, meri Manish bhai, agar koi sun raha hai, ya agar aap ye le ja sako, to central government hai, ya महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, यू नो, दे शुड टेक दिस अप ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. अनुराधा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सदन में देश के सबसे युवा सांसद जी कार्तिक शर्मा जी यहाँ बैठे हैं जी, और मुझे ऐसा लगता है कि सदन में, उस राज्यसभा में, अगर आवाज जो आप कह रही हैं कि केंद्र और राज्य सरकार तक जी, जाए जी, तो युवा नेतृत्व, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ही सारी बातें आप इन तक ना, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, मतलब आई एम सरप्राइज कि जैसे 2-3 महीने में ही इतने लोगों से मैं कॉन्टैक्ट में आई जो स्क्रीनिंग तो करते हैं बट दे कांट अफोर्ड टू गिव द हियरिंग एड्स, तो फायदा नहीं ना. और अगर आप एंड एवरी 6 मंथ्स आई थिंक दे नीड टू चेक डू द स्क्रीनिंग अगेन, क्योंकि अभी परसों मैं आलिया वर्जन वहाँ पे इंस्टीट्यूट में थी, तो जो म्यूनिसिपल स्कूल से मैंने कुछ बच्चों के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो वापस से उनको स्क्रीन करना पड़ेगा, इट मे हैव चेंज्ड. सो आई थिंक यू नो दिस कैन बी डन, थोड़ा सा ध्यान उस तरफ. यस, प्लीज डू दैट, गिव अ बिग बिग क्लैप टू द एश्योरेंस एंड कमिटमेंट बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एंड सेकेंडली व्हाट आई फील इज अवेयरनेस अगर लोग करने की कोशिश करते भी होंगे तो इतना ध्यान नहीं देते लोग, लेकिन व्हेन अ नोन फेस यू नो सेज समथिंग, जहां वैसे 10 लोग सुनते हैं, तो अगर एक नोन फेस कोई चीज कह रहा तो 1000 लोग सुनेंगे. सो यू नो पीपल शुड कम फॉरवर्ड और इसकी अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए. एंड इफ रिक्वायर्ड आई एम देयर फॉर द कॉज, आई हैव एनी विच वे हैव टेकन इट अप. अनुराधा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईटीवी नेटवर्क का अपना एक फाउंडेशन है जिसमें इस तरह के तमाम सेवा कार्य चलते रहते जी. हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कार्तिक जी जब भी, तो आपकी मदद जरूर ली जाएगी और आपकी इस पेशकश का हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे. आगे बढ़ते हैं, समाज सेवा के बाद फिर से लौटते हैं संगीत और गायन की ओर. अनुराधा जी, आखिर ऐसा कब आपको लगा कि भक्ति संगीत, भक्ति गायन, फिल्मों में आप बहुत अच्छा कर रही थी, आपके कुछ गाने आज भी मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी पीढ़ी बैठी हुई है, मैं गलत तो नहीं कह रहा आंटी जी जी, तो वो गाना जो आपको फिल्मी वाला, क्योंकि आपने भक्ति गायन से, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत तो भक्ति गायन से होती ही है, लेकिन वो गाना जो आपको बहुत छू जाता है कि आप अकेले में भी गुनगुनाती हैं, मैंने देखा है आपको कि आप अकेले में भी जब गुनगुनाती हैं, तो वो कौन सा गाना है जो आप बहुत सारे हैं नहीं, लेकिन जो आपके दिल के करीब हो और सब जानते हैं कि आपका वो जो गाना आप गाएंगी वो कितना पॉपुलर रहा है. धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना. क्या बात है, आपने यहाँ के प्यारे दर्शकों के माहौल में आपने कह दी कि आपका प्यार हो गया है कि, और आपने ये गाना गाया. आज के गायन में जब इतने सारे संसाधन, इतनी तकनीक आ गई है, और पुराना दौर, क्या फर्क आप देखती हैं कि ये ज्यादा आसान है या वो एक ही, इट्स नॉट राइट, मतलब हर एक इंसान अपने अपने काबिलियत से या ईश्वर ने जितनी बुद्धि दी उस उसके मुताबिक म्यूजिक करता है, बट
ये सोच करके दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि एक वो इरा था जब सारे ही गाने ओरिजिनल बनते थे और आज एक ओरिजिनल गाना स्पेशल अवार्ड होता है. अच्छा, तो ये बिकॉज इट्स ओरिजिनल बट इट्स सपोज टू बी ओरिजिनल, मतलब इट्स मैंडेटरी नो जी, बट टुडे इट्स बिकम अ क्वालिफिकेशन. अच्छा, ये ओरिजिनल था? नहीं नहीं, ये क्वालिफिकेशन है कि नहीं ये ओरिजिनल गाने को ऐसा ऐसा बोल, बट इट वाज ऑलवेज सपोज टू बी ओरिजिनल ना. तो मतलब जैसे जैसे वक्त चेंज होता है तो हम उस बदलाव को वही अपना लाइफस्टाइल समझते हैं या हमारी संस्कृति समझते हैं. जैसे कई सारे गाने हैं जिसको दे आर रीडब्ड एंड उसे फ्यूजन करते हैं या पता नहीं क्या 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 नाम देते हैं. कभी कभी मुझे दुख होता है कि कहीं आज के बच्चे उसी चीज को ओरिजिनल ना समझ बैठे, यू नो, व्हेन द ओरिजिनल इज सो ब्यूटीफुल. जी, और रैपर कहीं पुराने गायन पद्धति को रैप तो नहीं करा जिस तरह से रैपर्स आ गए हैं कुछ भी वो रैप रैप. अनुराधा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अब ऐसा क्या है समाज सेवा के बाद, ये तो आप कर ही रही हैं, गायन में और कितना आगे क्या आपका कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने का है? इंस्टीट्यूट तो नहीं, इट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ मैन पावर इज रिक्वायर्ड और वैसे ही मेरे देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई एम डूइंग एट द सेम टाइम, बट ऑन वेरी कॉन्शियस एफर्ट आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई सेल्फ द वर्क्स ऑफ शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी दैट जहां हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक उनसे बड़ा कोई हुआ होगा जिन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जितना काम किया. तो उनके जो वर्क्स हैं तो उसे हम लोगों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया एंड वेरी सून विल बी पुटिंग इट ऑन यूट्यूब या विच एवर प्लेटफॉर्म्स. मैं आप उसकी भी सलाह लूंगी, बट आई थिंक इट इज समथिंग दैट आर चिल्ड्रन नीड टू बी वेरी प्राउड ऑफ, यू नो, एंड कि ऐसा हमारा हेरिटेज है. दैट्स इट. ऑनरिंग आवर ओन हेरिटेज डज मीन डिसलाइकिंग समथिंग एल्स, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन. इफ यू हैव समथिंग वी शुड बी प्राउड, दे शुड नो दैट इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. जी, हमारे साथ आज पद्मश्री अनुराधा पौड़वाल जी आई, आप समय दिया, अपनी बातें आपने रखी. तो मैंने तनवीर गाजी साहब की नज़र से आपसे आज की चर्चा की शुरुआत की थी, तो मैं चाहूंगा कि उसी से मैं खत्म भी करूं. तनवीर गाजी साहब कहते हैं, चुनर जो तेरी उड़ी गगन भी कब कपाएगा, चुनर जो तेरी उड़ी गगन भी कब पाएगा, चुनर अगर तेरी गिरी तो एक भूकंप आएगा, तू की खोज में निकल तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. बहुत बहुत धन्यवाद.